रोक, चल बड़ा। बताइए अभी गोयल राज में आए, कोई दुकान की सूचना मिली थी आपको, किस जगह पे खड़े हैं अभी आप? सुतार बाखल में वर्मा कोचिंग क्लासेस के पास खड़ा, यहाँ की सूचना मिली थी अभी। मैं सही दो और पॉइंट पे ड्यूटी पे था कि यहाँ पर कुछ दुकानें, दुकान वाले सामान छटर खोल कर बेच रहा, जिसके लिए उनको मैं आया। जब तक उन्होंने दुकानें बंद कर ली, उनको समझाइश दे दी गई है कि आप दुकान ना खोल के सामान ना बेचें, अन्यथा सील कर दी जाएगी और चालानी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने हाथ जोड़ लिए हैं, आप दुकान नहीं खोलेंगे और करते हैं चालानी कार्रवाई की, दुकान सील कर देंगे। क्या नाम है आपका? विकास सांगते, नगर निगम देवास। आप कौन सी जगह पे खड़े हैं? ये सुतार बाखल में एक सूचना मिली थी हमें किराने की दुकान पे, चेक करने आए थे। उनको किराने वाला कहीं साफ सफाई और चूहे हुए कि कहीं दवाइयाँ रखने आया, उसको समझा दिया है कि लॉकडाउन है, दुकान बंद करके घर जाए। अच्छा, कहाँ से आए आप? मेरी पेट्रोलिंग ड्यूटी चल रही है थाना कोतवाली। क्या नाम है आपका? सदाना अच्छा अरुण कुमार। आज सुबह से निकले हैं, देखा जा रहा है पब्लिक बहुत निकल रही है और सब्जी के जो ठेले होने लग रहे हैं भगा भी रहे हैं। आप पुलिस की गाड़ी जाती है, उसके बाद एक मिनट बाद वापस लग जाते हैं और पुलिस प्रशासन बहुत पीछे पीछे भी पड़ रही है और सेवा भी कर रही है, फिर भी नहीं मान रहे हैं। क्या कहना चाहिए? ठीक है, इनको लगातार हम लोग समझाइश भी दे रहे हैं, वैधानिक कार्रवाई भी कर रहे हैं जो लोग इसका कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं। और
आज ये जरूर कुछ संख्या में बाहर निकलते दिखे थे, लेकिन अब देख रहे हैं कि लोगों का आवागमन कम हो गया है और लोग पुनः अपने अपने घरों में ही हैं। इनको बार बार समझाई देने की आवश्यकता पड़ रही है कि लोगों को अभी भी कोरोना कर्फ्यू में घर से बाहर नहीं निकलना है। और जो शहर में हम लोगों ने मेहनत करके पूरे नगरवासियों की मदद से जो कोरोना के ऊपर एक नियंत्रण पाया है, उसको पूरी तरह से हमको ख़त्म करना है। इसके लिए आवश्यक है सभी लोगों से मेरी अपील भी है कि लोग अपने अपने घरों में रहें, जिससे कि स्वयं को पूरी तरह से छोड़ा जा सके और कोरोना का जो प्रभाव है उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। और जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सफलता भी पाई है और हम उम्मीद करते हैं कि अगर सभी लोग इसी प्रकार से अपना जिम्मेदारी को परिचय देंगे तो निश्चित रूप से इसको पूरी तरह से हम चेन को तोड़ने में सफल होंगे।